देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा। नवीन चक्राता के बारे में यहाँ पर सात खतों की मीटिंग में कोई विरोध नहीं है। आप भी यहाँ उपस्थित थे और न हम इसका विरोध करेंगे। खबर जनपद देहरादून के चक्राता विधानसभा से है, जहां नागथात में एमडीडीए से क्या फायदा क्या नुकसान को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 40 से 50 लोगों ने भाग लिया, जहां सभी ने नवीन चक्राता टाउनशिप का सरकार का और रामशरण नोटियाल का आभार जताते हुए योजना का स्वागत किया। लेकिन टाउनशिप बनाने वाली कार्यदायी संस्था एमडीडीए का विरोध करते नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर विचार विमर्श करने की बात कही, कहा कि अभी किसी को सही जानकारी नहीं है, इसलिए एक बार अपनी बात शासन प्रशासन के आगे रखी जाएगी और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान इसको देखा जाएगा। दरअसल नवीन चक्राता टाउनशिप को सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है और टाउनशिप प्लान तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपए एमडीडीए को स्वीकृत भी हो चुके हैं, जिसके बाद एमडीडीए अब प्लान बनाने में जुट चुकी है। लेकिन ग्रामीण एमडीडीए का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एमडीडीए लागू होने से संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही लोगों को अनावश्यक खर्च भी झेलना पड़ेगा, नक्शे पास कराने के लिए एमडीडीए के चक्कर काटने पड़ेंगे। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि नवीन चक्राता टाउनशिप का स्वागत करते हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था को हटाकर किसी और संस्था से शहर का निर्माण करवाएं। वहीं भाजपा नेता रामशरण नोटियाल ने फोन कॉल के माध्यम से बताया, टाउनशिप बनने से क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार मिलेगा, टाउनशिप का एक अपना दायरा होगा, गांव की संस्कृति से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ना ही टाउनशिप की सीमा में कोई गांव आ रहा है। अभी तो सिर्फ टाउनशिप प्लान तैयार किया जा रहा है, फाइनल प्लान बनने के लिए जनता की सलाह ली जाएगी, जनता की मोहर लगने के बाद ही प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून में 2 ही संस्था कार्य कर रही है, एक एमडीडीए और साडा, लेकिन सरकार ने साडा को एमडीडीए में मर्ज कर दिया है। लेकिन यदि सरकार द्वारा अन्य संस्था बनाकर नया चक्राता का कार्य किया जाता है तो भी मैं जनता के साथ हूँ, जनता के अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। इस दौरान इंद्र सिंह नेगी, मोहर सिंह, युद्धवीर सिंह, राजेंद्र चौहान, जगत सिंह राणा आदि मौजूद रहे। यहाँ 7 खतों के मीटिंग में जो विरोध हुआ वो मात्र एमडीडीए का हुआ, पर आज 7 खतों ने ये निर्णय लिया है कि 7 खतों की एक मीटिंग, एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में उसमें मैं भी हूँ और ये कमेटी जिलाधिकारी महोदय के पास जाएगी, वहाँ से पूर्ण जानकारी एमडीडीए से लाएगी और तब इसके बाद दूसरी मीटिंग बैठ करके निर्णय लिया जाएगा कि इसमें हमारे हित की बात है या नुकसान है। यदि क्षेत्र हित की बात होगी तो हम कहीं पर भी किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, और यदि क्षेत्र को नुकसान वाली कोई बात है तो उसका जरूर विरोध होगा। टाउनशिप है, ये क्षेत्र हित में है, हम इसका विरोध भी नहीं करते हैं। विरोध सिर्फ जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, विरोध हमारा 7 खतों का एमडीडीए का है। जहाँ तक हमें अभी हमारे जो कुछ लोग एमडीडीए में कर्मचारी रहे, उन लोगों ने हमको अवगत कराया कि इसमें लाभ कम है, हानि ज़्यादा है, यहाँ पर उनका ऐसा कब्जा रहेगा कि हम अपने हिसाब से अपना मकान नहीं बना पाएंगे, अपनी गौशाला नहीं बना पाएंगे, उसके लिए हमको जो एमडीडीए का चक्कर काटने पड़ेगा, तो ये चीज़ हमको सूटेबल नहीं है। ये जो मीटिंग नागथात में की गई है, ये 7 खतों की मीटिंग बुलाई गई है, 8 खतों की। इसमें जब तक अभी तक ये सिलसिला चल रहा था कि भाई ये चक्राता टाउनशिप का जो चल रहा था, अब लगा है कि इसमें एमडीडी को भी जोड़ा जा रहा है, तो जैसे अभी तक हमारी मीटिंग में तय हुआ है और मीटिंग की चर्चाएं हुई कि भाई हम इस बात का विरोध करेंगे। ये ऐसे हमारा पूरे 8 खतों का निर्णय है और इसमें जो भी हमें कुछ लड़ाई लड़नी पड़े हम आगे तक लड़ेंगे। यदि हमारे बगैर पूछे बगैर उसके जो ये काम किए गए हैं, हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हैं एमडीडी ले को, जो हमारा विरोध है। और देखिए, हमारा एक्ट में भी और जगह से जौनसार का भिन्न है, जौनसार बावर के नियम कानून कायदे, ये जनजाति क्षेत्र है, इसके नियम कानून और क्षेत्रों से भी अलग है। यहाँ की धरोहर, यहाँ की लड़ाई, पहले भी हमने इन जंगलों की लड़ाई लड़ी हुई है और ये जमीन की लड़ाई लड़ रखी है, इस पर हमारा बिल्कुल ये विरोध किया, हमें एमडीडीए के खिलाफ है जो है। तो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है और इसका जो धरोहर है हमारे लोगों की, जनजाति क्षेत्र की, एक तो उसके साथ छेड़छाड़ सीधा सीधा कुटाराघात है। दूसरा रहा, आपने अभी पूर्व में क्वेश्चन किया, अभी कर रहे हैं एमडीडीए के लेके विरोध, एमडीडीए के लिए इसलिए विरोध है कि क्या जहाँ एमडीडीए लागू नहीं है क्या वहाँ विकास नहीं हो रहा है? विकास कैसे कहते हैं? सड़क पहुंचना, अस्पताल खुलना, कोई सरकारी कार्यालय खुलना, वो विकास है ना।
बाकी अगर एमडीडी आएगा तो विकास नहीं होता है, वो तो लोगों का क्या कहें जो है शोषण करेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारा जो गरीब आदमी है, गांव का अनपढ़ आदमी अभी भी, या खेत खलियान है अपने, वो गौशाला बनाता है, कल के दिन वो गौशाला का निर्माण भी नहीं कर सकता है। क्यों? सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे। किसी के पास अगर 20 फुट लंबी जगह है और 5 फुट चौड़ी है तो उसमें क्या छोड़ेगा? हो गया उनके रूल्स फॉलो करेगा क्या एमडीडी के? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ऐसी भौगोलिक स्थिति है। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भौगोलिक स्थिति को देख के किया जा सकता है। क्या हरबतपुर में क्या बिना एमडीडी के काम नहीं हो रहा है? विकास नगर में नहीं हो रहा है, हरबतपुर में नहीं हो रहा है। तो इस तरह से क्या यहाँ ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई एमडीडी को लागू करने की? टाउनशिप बनाइए, विकास करिए, बिल्डिंगें बनाइए, सरकारी दफ्तर करिए, खोलिए, ब्लॉक खोलिए, तहसील खोलिए, हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। उससे विकास होता है, लोगों के रोजगार मिलेगा। होटल इंडस्ट्री खुल दिया, अभी हमने मान लिया बैराटखाई में खुल गया, नागथाद में खुले हैं होटल, या रामताल गार्डन है, तो क्या उन्होंने नक्शा पास ही कराया होगा? ये उसका एक शिथिलीकरण है, छोटा एक माध्यम है। जिला विकास प्राधिकरण भी बना हुआ है जो कि प्रशासन के अंडर में आता है, वहाँ से एक नॉमिनल NOC लेनी पड़ती है, या क्या कहें आपका फायर ब्रिगेड से लेना पड़ता है, अग्निशमन विभाग से। वो नॉमिनल जो क्या कहें NOC वो लेते हैं और आराम से उसका पास हो जाता है। लेकिन MDDA के लागू होने से यहाँ के आम जनमानस का बहुत शोषण होगा। जो अभी बेचारे अभी जो यहाँ पर खड़े हैं, इनको चलो अभी 20% मालूम है, अभी तो 80% लोगों को कुछ भी नहीं पता कि MDDA होता क्या है, MDDA की भाषा ही नहीं कोई जानता।